मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं ज्योतिष से संबंधित एक नए विषय को, नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, इस साल का, जैसे कि आप सब लोग सुन रहे होंगे टीवी पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया में जो आप जो लोग एक्टिव है वहाँ आपको दिखाई दे सुनाई दे रहा होगा या आपने देखा भी होगा कि इस साल का आखिरी ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है वो 14 तारीख को लगने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 तारीख सोमवार अमावस्या को लगने जा रहा है, जिसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। बहुत सी चीजें आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी, बहुत से जो है लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, हम क्या करें। बहुत सी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी पूछ रही है फोन करके कि कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने एक टॉपिक इसी पे ही एक वीडियो बनाने की सोची, ताकि जो जो भी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं उन्हें जानकारी इससे संबंधित मिल जाए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोमवार अमावस्या को खग्रास सूर्य ग्रहण 14 तारीख लगने जा रहा है, जो 7:03 शाम को शुरू होगा और रात को 12:23 तक इस ग्रहण का असर रहेगा। लेकिन कहां असर रहेगा मित्रों? ये दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश, जैसे कि नाम्बिया, बोस्ना, और जैसे साउथ अफ्रीका, अंगोला, और इस तरह से प्रशांत व हिंद महासागर से जो संबंधित जो एरिया है वहाँ का, जो ये ग्रहण वहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का असर उन देशों में रहने वाला है, भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए किसी भी भारतवासी को इस ग्रहण से चिंता करने की किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। ग्रहण को लेकर जो सावधानियां रखने का जो प्रावधान है उसमें से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने से ही कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। यह खग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। इस दिन बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, ये चारों ग्रह राहु केतु के एक्सिस में रहेंगे, जिसमें से सूर्य को ग्रहण लगेगा। ये भारत में ये ग्रहण, मैं फिर से बता रहा हूं, भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है। किसी भी भारतवासी को किसी भी तरह का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी बीमार को या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी तरह का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको छूट है। लेकिन हमारे शास्त्र अनुसार जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहाँ ग्रहण का असर नहीं होता है। लेकिन ग्रहों का असर तो रहता ही है। जो ग्रह जैसे मूव करते हैं उसका असर तो चलायमान है, सबके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन ग्रहण का असर, जो ग्रहण को लेकर जो सावधानियां बरतने को कहा जाता है, वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। वो लोग करेंगे जहां पर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है। मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे बताना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।